कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। डोंबिवली स्थित शील रोड के उसर गांव में माय सिटी नाम से बन रहे फेज टू के लिए काम करने वाले काम घर के निवास स्थानों में आग लग जाने के कारण एक काम घर की मृत्यु हो गई व साथ ही साथ और भी कई काम करने वाले लोग हैं घायल। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के क्वार्टर में लगी आग, एक व्यक्ति की मौत और एक घायल। रविवार सुबह डोंबिवली के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के क्वार्टर में आग लग गई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी नामदेव चौधरी ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे मानपाड़ा क्षेत्र में विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 120 क्वार्टर जल गए। अधिकारियों के मुताबिक खाना पकाने के दौरान गैस रिसाव हुआ था, जिसके कारण एक क्वार्टर में आग लग गई थी। उन्होंने कहा कि आग की लपटें तेजी से दूसरे क्वार्टर में फैल गई, जहां 172 मजदूर रह रहे थे। मृतक की उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है और उसका नाम तपन महालदार है। अधिकारियों ने कहा कि 2 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर ले जाया गया और 3 घंटे से अधिक समय के बाद आग की लपटों को काबू में लाया गया। रुनवाल गार्डन माय सिटी फेज 2 मध्ये जे वसाहत होती कर्मचाऱ्यांची, त्यांचे जे कामगार आहेत त्यांची वसाहत होती, त्या याला आग लागली होती। किती रूम झाले आहे? आणि त्याच्यामध्ये 120 रूम होते आणि एकूण 170 कामगार होते, 172 होते आणि त्यातले एक मयत आहे आणि एक जखमी आहे, आणि असे 170 कामगारांना आम्ही बाहेर काढलेलं आहे। आणि सर आता परिस्थिती व्यवस्थित आहे। आपली गाडी फायर गाडी 10:10 परत आलेले, सकाळी 6:50 कॉल होता। किती सिलेंडर होते आतमध्ये? सिलेंडरचे काही हे नाही, पण 100 आसपास असं। किती किलोचे होते ते? छोटे पाच किलोचे होते। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।